है गाइस, तो अभी मैं यूपी पीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर नोटिफिकेशन नोटिस बोर्ड में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, दो नोटिस यहाँ पर जारी की गई है यूपी पीएससी आयोग के द्वारा 1 मार्च 2023 के डेट में। ठीक है, तो पहला है दोस्त आप लोग का जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट मतलब कि यहाँ पर जो 04 परीक्षा 2019 वाली जो वैकेंसी थी कनिष्ठ सहायक का, उसका यहाँ पर दोस्त लोगों को जो विभाग है वो आवंटित कर दिया गया है। ठीक है, और सेकंड अगर मैं बात करूँ तो सेकंड यहाँ पर वन रक्षक, जो आप लोगों का फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ रिलीज हुआ था। ठीक है, तो उसका जो दौड़ है, ठीक है, उसको भी यहाँ पर इन्होंने डेट को क्लियर कर दिया कि लखनऊ में आप लोगों का दौड़ होना है। ओके, तो चलिए इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं कि इसमें क्या, इस नोटिस में क्या दिया गया है। वैसे आप लोगों का 1 मार्च को ये आप लोगों का नोटिस आया है। ठीक है, तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है दोस्त, तो इसको मैं डाउनलोड होने देता हूँ। आप लोगों का डाउनलोड हो चुका है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर दोस्त इसको, इस नोटिस को जारी किया गया है। पिकअप भवन तृतीया तल गोमती नगर लखनऊ। ओके, तो ये दिनांक 1 मार्च 2023 को ये नोटिस जारी हुआ है। तो इसमें क्या लिखा गया है यहाँ पर देख सकते हो, विज्ञापन संख्या 05 परीक्षा 2019 वन रक्षक मतलब कि फॉरेस्ट गार्ड वाला जो एग्जाम हुआ था उसका जो है प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु कुल 5631 अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग की आवश्यक सूचना 23/1 यहाँ पर परीक्षा दिनांक 14 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था। मतलब कि इसका जो कट ऑफ रिलीज हुआ था 14 फरवरी 2023 को यहाँ पर कट ऑफ रिलीज कर दिया गया था, और जिसमें 5631 अभ्यर्थियों को यहाँ पर चयनित किया गया था। ओके, उसके बाद से यहाँ पर दिया है उक्त के क्रम में शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता हेतु चिन्हित अभ्यर्थियों को एतद्वार सूचित किया जाता है कि उनकी शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 20 मार्च 2023 से जनपद लखनऊ में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। मतलब कि 20 मार्च से आप लोगों का जो है यहाँ पर जो शारीरिक मानक परीक्षा है या शारीरिक दक्षता परीक्षा है, मतलब जिसमें रनिंग करवाई जाएगी आप लोगों की, फिजिकल जिसमें होगा, ठीक है, वो 20 मार्च 2023 से लखनऊ में आप लोगों का आयोजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त फॉरेस्ट गार्ड का जो आप लोगों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि इसका मतलब कि कब दौड़ होना है, कब फिजिकल होना है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का सामने निकल के आ गया है। यहाँ पर नोटिस आयोग के द्वारा यहाँ पर 20 मार्च 2023 को लखनऊ में आप लोगों का दौड़ करवा लिया जाएगा उसके बाद से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया है उक्त परीक्षा के विस्तृत कार्यक्रम एवं प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से वेबसाइट के माध्यम से यथासमय सूचित किया जाएगा। मतलब कि जब भी इसका कोई जो प्रवेश पत्र है जब निर्गत किया जाएगा तो वो आप लोगों के यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को शो हो जाएगा, तो आप लोग हमेशा चेकआउट करते रहिए। ठीक है, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को उसका प्रवेश पत्र वहां पर निर्गत हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों का जैसे ही वो रिलीज होता है, कोई भी नोटिस ऐसा आता है यूपीएससी आयोग के द्वारा, तो मैं आप लोगों को तुरंत वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचित कर दूंगा। ओके, यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो फॉरेस्ट गार्ड का है इसका भी आप लोगों का फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, 20 मार्च के बाद, उसके बाद से जो न्यू वैकेंसी है आप लोगों की जो फॉरेस्ट एसआई की आई थी, ठीक है, उसका जो कट ऑफ होगा, जो कट ऑफ, हाँ कट ऑफ जो मतलब कि ताकि आप लोग मुख्य परीक्षा में बैठ पाओ, मतलब कि पैट में कितना कट स्कोर होना चाहिए कि आप लोग यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है मुख्य परीक्षा उसको आप लोग दे पाओगे, उसका जो कट ऑफ रिलीज होगा मुख्य परीक्षा के लिए वो भी मैं बता दूँ दोस्त, लास्ट मार्च तक जाते जाते। ठीक है, 20 मार्च ही हो गया, उसके बाद से 15 मार्च के बाद, 15 मार्च के बाद मतलब कि होली आप लोगों का 8 तारीख को है, 8 तारीख को होली है, होली के बाद आप लोगों का जो कट ऑफ है जो यूपीडब्ल्यूएससी फॉरेस्ट एसआई का जो कट ऑफ है मुख्य परीक्षा के लिए वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आप लोगों के यूपीडब्ल्यूएससी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, 15 मार्च के बाद, उसके बाद से अगर मैं बात करूँ दोस्तों लेखपाल, लेखपाल का जो रिजल्ट रिलीज होना है, ठीक है, वो भी आप लोगों का मार्च के लास्ट वीक तक आप लोगों को देखने को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है, ठीक है, और जो न्यू वैकेंसी आनी है आप लोगों के लेखपाल की 4000+ वैकेंसी जो आनी है, ठीक है, वो भी मार्च या अप्रैल फर्स्ट वीक में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो नई वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दोस्तों वीडियो का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, तो वो भी आप लोगों का मिड मई से लेकर जून तक आप लोगों का, मतलब कि जून के पहले ही आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वीडियो का वो भी करवा लिया जाएगा। ठीक है, वो भी करवा लिया जाएगा, और वन दरोगा का कट ऑफ रिलीज होने के बाद ही, जैसे ही रिलीज होता है इसका कट ऑफ, वैसे ही मई फर्स्ट वीक में इसका भी एग्जाम करवा लिया जाएगा। ठीक है, किसका, वन दरोगा का मुख्य परीक्षा का जो एग्जाम होना है। ठीक है, इसका कट ऑफ जैसे ही रिलीज होता है मार्च के लास्ट वीक तक, तब तक आप लोगों का जो जैसे ही कट ऑफ रिलीज होगा उसके बाद से आप लोगों का एक डेट मेंशन आयोग के द्वारा यहाँ पर दी जाएगी कि मतलब कि इस डेट में आप लोगों का एग्जाम होना है, तो मई फर्स्ट वीक में इसका डेट आप लोगों का परीक्षा का दे दिया जाएगा वन दरोगा का। वन दरोगा का जो एग्जाम है वो पहले होगा, उसके बाद से आप लोगों का वीडियो का एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, आप लोग अपनी जो कंटिन्यूटी है पढ़ाई की उसको मत तोड़िए, ब्रेक मत करिए। ठीक है, जैसे ही कोई वैकेंसी, जैसे ही कोई एग्जाम आता है, एग्जाम डेट आता है, तो आप लोग उसको इसी कंटिन्यूटी के साथ उस एग्जाम को दीजिए और एक सीट को हासिल करिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।